दोस्तों, अजय देवगन की फिल्म टार्जन द वंडर कार 2004 में रिलीज हुई थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये फिल्म सुपर कार पर बेस्ड थी। जब फिल्म में ये कार दिखी तो चर्चा का विषय बन गई थी और कार लवर्स का सपना भी। हर कार के शौकीन का यही सपना था कि ये सुपर कार उनके पास भी हो। आपको बता दें कि इस कार को मशहूर ऑटोमोबाइल डिजाइनर दिलीप छाबड़िया ने तैयार किया था। दिलीप छाबड़िया ने कार के बाहरी लुक पर बेहद अच्छा काम किया था और 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसे सुपर कार बना दिया था। फिल्म में कार को कई ऐसे स्टंट्स करते दिखाया गया था जो कि किसी और कार से कर पाना मुश्किल था। टार्जन द वंडर कार 2004 में रिलीज हुई एक फैंटेसी थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में राज के पिता की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा उस कार में बस जाती है जो उन्होंने बनाई थी, और राज को तमाम मुश्किलों से बचाने में वो कार जिसमें उनके पिता की आत्मा होती है पूरी पूरी मदद करती है। पर दोस्तों, आज हम इस फिल्म के बारे में नहीं बल्कि इस फिल्म के कास्ट के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप इस फिल्म के एक्टर्स को तो जानते होंगे, पर क्या आप उनके रियल लाइफ पति पत्नियों को जानते हैं? चलिए आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताते हैं। इस फिल्म में आयशा टाकिया ने राज की गर्लफ्रेंड प्रिया का किरदार निभाया था और उनके रियल लाइफ पति का नाम फरहान आजमी है, जो प्रोफेशन से एक एंटरप्रेन्योर हैं और ये कई रेस्टोरेंट्स के भी मालिक हैं। मुंबई और गोवा में इनके कई रेस्टोरेंट्स और कैफेज मौजूद हैं। इस फिल्म में राजपाल यादव ने कांस्टेबल हवलदार सीताराम का किरदार निभाया था। अगर इनकी रियल लाइफ वाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम राधा यादव है। इनकी राधा से लव मैरिज हुई थी। राजपाल यादव बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस कॉमेडियन हैं। और अगर शक्ति कपूर की बात करें तो शक्ति कपूर ने इस फिल्म में महेश सक्सेना का किरदार निभाया था। वहीं इनकी पत्नी का नाम शिवांगी कोल्हापुरी है, जो एक बहुत ही मिडिल क्लास और सिंपल मराठी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये मुंबई में ही पली बड़ी है। ये फेमस फिल्म एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी की बड़ी बहन है, लेकिन इनका फिल्मों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर सीनियर एक्ट्रेस फरीदा जलाल की बात करें तो इस फिल्म में फरीदा जलाल ने मिसेस सुहासनी चौधरी का रोल निभाया था, जो देवेन की माँ होती हैं और राज की दादी माँ होती हैं। अब अगर फरीदा जलाल के रियल लाइफ हस्बैंड की बात करें तो इनके रियल लाइफ हस्बैंड का नाम तबरेज बरमावर है। तबरेज बरमावर भी पुरानी फिल्मों के एक्टर हैं। वहीं अगर इस फिल्म में लीड कैरेक्टर राज के किरदार के बारे में बात करें तो राज का कैरेक्टर प्ले किया था वत्सल सेठ ने। और अगर वत्सल की पत्नी के बारे में बात करें तो रियल लाइफ में वत्सल की पत्नी का नाम इशिता दत्ता है, जो खुद भी एक फिल्म एक्ट्रेस हैं। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की बहन भी है। इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर ने इंस्पेक्टर खुराना का कैरेक्टर प्ले किया था। तो वहीं अगर रियल लाइफ में इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम फिलोमीना ग्रोवर है। फिलोमीना और गुलशन ग्रोवर ने 6 साल तक डेट करने के बाद 1998 में शादी की थी। इनका एक बेटा संजय ग्रोवर भी है, लेकिन 2001 में आपसी मतभेद की वजह से इन दोनों का तलाक हो गया था और इन दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली थी। फिलोमीना से तलाक के बाद गुलशन ग्रोवर ने कशिश ग्रोवर से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज्यादा नहीं चल पाई और 2002 में ये शादी भी टूट गई। वहीं फिल्म में एंथनी डिकोस्टा का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर सदाशिव अमरापुरकर की बात करें तो ये हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी फिल्मों के भी बहुत फेमस एक्टर हैं। इन्होंने कई फिल्मों में विलन के रोल के तौर पर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। अब अगर इनकी रियल लाइफ वाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम सुनंदा कर्माकर है। अब बात करते हैं पंकज धीर की, जिन्होंने इस फिल्म में राकेश कपूर का किरदार निभाया था, जो फिल्म में प्रिया के पापा होते हैं। पंकज धीर की अगर रियल लाइफ वाइफ की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम अनीता धीर है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है। अब अगर इस फिल्म के कैरेक्टर कैलाश चोपड़ा की बात करें तो कैलाश चोपड़ा का कैरेक्टर प्ले किया था मुकेश तिवारी ने, जिन्होंने और भी कई फिल्मों में विलन के कैरेक्टर बहुत बखूबी निभाए हैं। अब अगर इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम वायलेट नाजिर तिवारी है। अब अगर फिल्मी दुनिया के दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी की बात करें तो अमरीश पुरी ने भी इस फिल्म में करतार सिंह का रोल प्ले किया था और रियल लाइफ में उनकी पत्नी का नाम उर्मिला दिवेकर है।
अमरीश पुरी और उर्मिला दिवेकर के दो बच्चे हैं, नम्रता पुरी और राजीव पुरी। और अब आखिर में बात करते हैं अजय देवगन की। अजय देवगन को कौन नहीं जानता। अजय देवगन ने इस फिल्म में देवेंद्र चौधरी का रोल प्ले किया था, जो राज के पिता होते हैं, जिनकी मौत के बाद उनकी आत्मा उस कार में घुस जाती है। अजय देवगन की अगर रियल लाइफ पत्नी के बारे में बात करें तो वो काजोल हैं, जिनको सब जानते हैं। काजोल बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों, आपको फिल्म टार्ज़न द वंडर कार के कैरेक्टर्स के इन रियल लाइफ हस्बैंड और वाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।